बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर का फिजिक्स का ये इलास्टिसिटी चैप्टर का छठा लेक्चर है। पांचवा लेक्चर आप लोग यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आप लोग तैयार भी कर लिए होंगे। पांचवे लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट इसमें नोट का पॉइंट वन और टू फिर से इसमें हाईलाइट इसे दिख रहा है। तो आज का छठे लेक्चर का स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, एक्सप्रेशन फॉर ट्विस्टिंग कपल। ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का सेट क्वेश्चन है एक, इसमें ट्विस्टिंग कपल का एक्सप्रेशन टाउ इक्वल टू पाई ईटा थीटा आर पावर 4/2L ये फार्मूला डेरिवेट करना होता है। पहले फार्मूला तुरंत याद कर लें, टाउ इक्वल टू पाई ईटा थीटा आर पावर 4/2L वेयर पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं, ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और थीटा है ट्विस्टिंग एंगल। ट्विस्टिंग एंगल कहाँ बनता है? बेस में, जो उसका क्रॉस सेक्शन टर्न करता है और ट्विस्टिंग एंगल है। उसके सरफेस पर, सिलेंडर के सरफेस पर जो लाइन ड्रा करते हैं नीचे से ऐंठने पर, वो जो इतना एंगल शिफ्ट करती है दैट इज द फाई, वो सीयर एंगल है। यह सीयरिंग एंगल, आर रेडियस है, एल लेंथ है। सारी बातें क्लियर है। फार्मूला एक बार फिर से ओरल बोल दीजिए, टाउ इक्वल टू पाई ईटा थीटा आर पावर 4/2L। इसी फार्मूला डेरिवेशन करना है, कैसे आया उस कैसे का जवाब हम लोग दे रहे हैं इसमें। तो ये फिगर बना लीजिए, ये एक्चुअल एल लेंथ और इसकी टोटल रेडियस स्मॉल आर है। ये सिलेंडर अडाप्ट किया गया, सॉलिड सिलेंडर है और इसमें एक एलिमेंट्री सिलेंडर, इसी स्मॉल आर रेडियस एल लेंथ के सिलेंडर के अंदर एक एलिमेंट्री सिलेंडर सेलेक्ट किया गया जिसकी रेडियस स्मॉल एक्स और इसकी मोटाई जो थिकनेस है डी एक्स है। अब इसी सेलेक्टेड सिलेंडर के बारे में लिखना है, जो बातें हमने बताया वही मैटर में लिखा गया है। लेट अस कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग लेंथ एल एंड रेडियस एयर। ये सब पढ़ करके आप सिस्टमेटिक इसको नोट करिए, गौर से इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दें, इसको प्रूव करने के लिए बेसिक टेक्निक क्या है, आर थीटा इक्वल टू एल फाई। फिफ्थ लेक्चर में इसको निकाला गया था, आर थीटा इक्वल टू एल फाई, यही एक्चुअल था फार्मूला। तो इसको फिर से लिख लिया, लेकिन यहाँ पर इस सेलेक्टेड जो सिलेंडर लिया गया है उसके लिए रेडियस एक्स है, ट्विस्टिंग एंगल थीटा और लेंथ पूरी पूरी एल है, फाई फाई केवल आर का रोल एक्स कर रहा है। तो इस सेंटेंस में भी लिखा गया है वही मेनली दिया यहाँ पर है। तो यहाँ इसी से फाई एस्टिमेट कर लिएगा, फाई निकालना तो एल से डिवीजन हो जाएगा, एक्स थीटा बाई एल। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ आपका। अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन सीयरिंग स्ट्रेस बाय सीयरिंग स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से सीयरिंग स्ट्रेस तो हमेशा या बाय यही होता है, सीयरिंग स्ट्रेन हो स्ट्रेस हो हमेशा ये बाई यही होता है, और शेयरिंग स्ट्रेंथ थीटा लिखा गया था डिफाइन करते समय, लेकिन आज यहाँ पर फाई है, शेयरिंग स्ट्रेन एंगल ऑफ शेयर ही होता है, वही फाई लिख दिया गया था। ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर ए एरिया है, जो सेलेक्टेड एलिमेंट्री सिलेंडर लिया गया उसका एरिया है बेस का। तो उसको समझने के लिए उसी को एक्चुअल में इस प्लेन में, पेपर के प्लेन में हमने सर्कल ड्रा कर दिया एक्स रेडियस डी एक्स थिकनेस का, और इसी को कट कर दिया कैंची से, कट कर दिया, कट करके इसको फैला दिया, अनफर्ल कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। उसका स्ट्रेच वाला फिगर यहाँ पर है, कितना फैलेगा जो इतना उसका परिधि होगा, सरकमफेरेंस 2πr होता है, तो वही 2πx लिख दिया गया, रेडियस का रोल एक्स कर रहा है। और मोटाई इसकी थिकनेस कितनी थी dx, तो dx यहाँ हाईलाइट है। तो इसका एरिया अब कितना हो जाएगी, तो पतले से ये आयत की तरह रिक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए 2πx इंटू dx, यही एरिया हो गया। ये आपका थर्ड इक्वेशन हुआ, और इसी से फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में फीड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन से फाई मिल जाएगा और थर्ड इक्वेशन से ए मिल जाएगा। तो यही फीड कर लीजिए, इस पूरे पेज के मैटर को आराम से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ध्यान दीजिए।
फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू रखना था, एरिया के प्लेस पर 2πxdx आया और फाई के प्लेस पर x θ y एल आ गया। तो यहाँ से ईएफ निकालना थी, एफ निकालना थी, ये जो डिनोमिनेटर में इतना बड़ा सा टर्म है सब ईटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही सेट करके हमने लिख दिया। फोर्स की वैल्यू आ गई 2πηθ/L इंटू x²dx। अब कपल क्या होता है, ट्विस्टिंग कपल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो स्मॉल ट्विस्टिंग कपल जो होगा dθ उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फोर्स तो निकाला ही गया, उसी में x मल्टीप्लाई कर दिया, तो x मल्टीप्लाई करना था, यहाँ स्क्वायर था तो क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका स्मॉल ट्विस्टिंग कपल आ गया dτ। फोर्थ इक्वेशन है, अब इसी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। प्रॉपर लिमिट क्या होगी, x तो रेडियस है, तो x की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू r, वही 0 से r तक इसको रन करा दीजिए, 0 से r तक इंटीग्रेट करके फाइनली रिजल्ट मिल गया tau = πηθ/2L×r⁴। दिस विद द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये नोट करिए, पूरे मैटर को एक साथ नोट करें आप लोग। अच्छा, नोट में थोड़ी सी हल्की सी बात बताई गई है, ये सब पूरा एक्चुअल डेरिवेशन सॉलिड सिलेंडर के लिए था। सिलेंडर अगर खोखला हो, हालो हो, जिसकी इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 हो, तो उसका नया फार्मूला आपके लिए तैयार हो जाएगा tau = πηθ/2L। वही रेडियस वाले के टर्म पर आ जाएगा r²-r1⁴ हो जाएगा। ये डेरिवेशन समाप्त हुआ, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखे जाएंगे, नोट कर लीजिए। लीजिए, पूर्वांचल का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क लगाया गया है इस पर। ये शो करना है कि जो खोखला एक बेलन होता है ठोस वाले से बढ़िया होता है, बेटर होता है, अच्छा होता है। यानी खोखला बेलन ठोस वाले से अच्छा होने से क्या तात्पर्य है, इसको ऐंठने के लिए, इसमें मरोड़ उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा ट्विस्टिंग कपल की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि ठोस के लिए कम में ही इसको ऐंठा जा सकता है। जो ज़्यादा टार्क से ऐंठा जा सके, यानी काफ़ी मजबूत है, ये बेटर एक्शन है इसका, इसी को प्रूव करना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, उसे प्रूव दैट हॉलो सिलेंड्रिकल रॉड इज बेटर देन सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड हैविंग, इसमें क्या क्या सिमिलरिटी उसको ज़रा देखा जाए, सेम मास, दोनों का द्रव्यमान सेम हो, सेम लेंथ, लंबाई सेम हो, और एक ही मटेरियल के बने होने चाहिए, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों के मटेरियल की डेंसिटी सेम हो। तो फिगर से स्पष्ट है दोनों का द्रव्यमान मोटा पतला जरूर लग रहा है, लेकिन दोनों का मास सेम है। ठीक है, इसका सलूशन देखा जाए, फिगर हमने मदद के लिए बना दिया है, सॉलिड का है, ये हालो का है। सॉलिड में एक ही रेडियस है r, और हालो में r1 r2 दो रेडियस है। तो आप चाहें तो इसको सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं, टाऊ की जो वैल्यू होती है हालो के लिए, अभी पिछले पेज पर डिस्कस किया गया है, एक लाइन में नोट करके फार्मूला लिखाया गया था, तो डायरेक्ट उसका टाऊ लिख दीजिए, लेकिन हालो है पहचाने के लिए एच, टाऊ एच, और ये सॉलिड के लिए टाऊ एस लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों फार्मूले से आप कंपेयर कर लीजिए, तो या आपको 5 मार्क गेन कर लें हैं, नंबर ज़्यादा है तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। जो dτ इक्वेशन नंबर 4 में जो पिछले पेज पर स्टार मार्क लगा करके देखा गया था, dτ की वैल्यू आप नोट कर लीजिए, dτ की वैल्यू, और सॉलिड के लिए अगर यही फार्मूला निकालना हो tau, तो 0 से r, और हालो के लिए निकालना हो तो r1 से r2, इसी dτ जो आपके लिए पहला इक्वेशन बन गया, इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, सॉलिड के लिए 0 to r, हालो के लिए r1 से r2, ऐसा करके आप निकाल लीजिए। पहले हालो के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हालो के लिए क्या बनेगा, r1 से r2 तक इसीकरण करा कर पूरा इंटीग्रेट करना है। बात साधारण सी है, मैटर को खूब अच्छे से सजा करके लिखा गया है, इससे पूरा नंबर आप लोगों को मिले, नोट कर लीजिए। पिछले पेज का ही रिमेनिंग पोर्शन, इसका फाइनल सोल्यूशन दिया जा रहा है। हालो के लिए ट्विस्टिंग कपल tau h ये निकाला जा रहा है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान है, x⁴/4, लिमिट वगैरह लग करके खाली हुए हम लोग, ये सेकंड इक्वेशन, ये वैल्यू आ गई हालो के लिए। अच्छा, अब सॉलिड के लिए एक बार तो हम लोग डेरिवेशन किए थे, लेकिन क्वेश्चन में फिर से कर दिए भाई, आपकी सुविधा के लिए फिर से यहाँ 0 से r तक इसको कर दिया गया है, फाइनली ये रिजल्ट मिल गया इक्वेशन नंबर 3 में। अब हालो के लिए जो इक्वेशन 2 मिला है,
और सॉलिड के लिए जो इक्वेशन 3 मिला है इसमें कौन बहादुर है, कौन बड़ा है, इसके परख करने के लिए, जांच करने के लिए हम लोग रेशियो रूल लगाते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। हालो का और सॉलिड का दोनों के ट्विस्टिंग कपल का रेशियो लिया गया टाउ एच बाई टाउ एस। तो देख लीजिए हल्की सी बात है, पाई ईटा थीटा बाई टू एल, और यहाँ भी पाई ईटा थीटा बाई टू एल एकदम कॉमन है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, बचे केवल ये रेडियस वाला टर्म, आर टू पावर फोर माइनस आर वन पावर फोर बाई आर पावर फोर, ये क्वेश्चन नंबर फोर हुआ। अब यहाँ से इस आर आर वन आर टू इनको रिलेट करने के लिए हम लोग बेसिक रूल लगाते हैं, क्वेश्चन कहा गया था सेम मास है, सेम मास है तो जो सॉलिड का मास वही हालो का मास, और मास का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम को आराम से लिख दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोगों को याद है टेंथ में बताया गया था पाई आर स्क्वायर एच होता था, पाई आर स्क्वायर एच का रोल आज एल कर रहा है, तो वही रो डेंसिटी है पाई, और आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू एल, ये मैटर हो गया यहाँ तक। बहुत आसान सी बात है, बस सिस्टमेटिक इसको अच्छे हैंडराइटिंग में खूब सजा करके मार्क गेन करने के लिए लिखा गया है, आइडियल सोल्यूशन है, इसको नोट करिए आप लोग, अगले पेज पे चला जाए। तो पिछले पेज के रिजल्ट से ही मिल गया आप लोगों को, सॉलिड के रेडियस के स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये रिजल्ट मिल गया। अब जो इक्वेशन नंबर फोर में हम लोग टाउ एच बाई टाउ एस लिख करके बैठे थे, वहाँ से सेट कर लिया गया मैटर, उसमें वैल्यू रख दिया गया है, नीचे आर पावर फोर था, आर स्क्वायर का रोल तो आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर कर रहा था, एक होल स्क्वायर और कर दिया हमने, और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्ग अंतर वाला फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, फोर पावर थे तो स्क्वायर स्क्वायर करके हम लोग सेट कर लिए, आसानी से नीचे वाले को एक्सपेंड करके एक टर्म कैंसिल कर दिया, ये तो कोई भी देख करके बता सकता है, ऊपर एडिशन है नीचे सब्ट्रैक्शन है, न्यूमरेटर हाई इसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है इसका मतलब इसका अंश यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होगा, टाउ एच की वैल्यू टाउ एच से हायर होगी, यही बातें लिखेंगे, टाउ एच इज ग्रेटर देन टाउ एस, उसी के शब्दों में लिखा गया है कि ये हालो सिलेंड्रिकल रॉड बढ़िया होती है सॉलिड से, क्यों होती है, बिकॉज फॉर सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट, सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट जो नीचे हम लोग ट्विस्ट करते हैं जो एंगल बनाता है, सेम एंगल ट्विस्ट करने के लिए ज़्यादा ट्विस्टिंग कपल की रिक्वायरमेंट होती है हालो के लिए, तो इस मैटर को नोट करें, आप लोगों के लिए पूरा मैटर लिखना पड़ता है पर डे, फिर लोड किया जाता है, इसको नोट करें, धन्यवाद।